नागारेड्डी पल्ली गांव में पेरैया नाम का एक किसान रहता था। पेरैया के पास कुछ खेत थे जो एक जंगल के पास थे। उस वर्ष पेरैया ने तरबूज की खेती करने का फैसला किया। वो तरबूज के बीज लाया और उन्हें खेत में बोने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसमें एक बीज बाकियों से अलग था। अरे, ये बीज बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, मुझे लगता है कि एक संकरित बीज है। मैंने कईयों से सुना है कि इसका फल बाजार में अच्छे दाम पर बिकता है। सच तो ये है कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। भाग्य की देवी ने मेरा दरवाजा खटखटाया है। इस तरह के बीज को खरीदने के लिए लाखों खर्च होते हैं। सौभाग्य से मुझे ये और बीजों के दाम पर ही मिल गया है। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, यही कारण है कि मुझे ये बीज मिल गया। इस तरह का तरबूज इधर तरफ की जलवायु में नहीं पाया जाता, इसीलिए लोग मेरे द्वारा तय की गई कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो बहुत उत्साहित था और खेती के लिए खेत में सभी बीज बो दिए। केवल उस बड़े संकर बीज को उसने खेत के बीचों बीच रखा और उसके आसपास कांटों की बाड़ लगाई और उस पर हर समय नजर रखने लगा। बगल के गांव में एक भूतनी रहती थी। वो तरबूज खाने की बड़ी शौकीन थी। वो सभी खेतों में तरबूज तलाशती थी, लेकिन उसे कहीं मिलता ही नहीं था, तो वो निराश हो जाती थी। फिर भी तरबूज की तलाश जारी थी। पेरैया रोज खेत में उन बीजों को पानी देता था, खास तौर से बीच में उस बड़े बीज को। वो उस बीज पर ज्यादा समय बिताता था, ये सोचता रहता था कि वो कब पूरा बड़ा हो जाएगा, वो कब अमीर हो जाएगा। इस तरह वो पेड़ के बड़े होने का इंतजार कर रहा था। कभी कभी तो सुबह से शाम तक अपने उस बीज को एक टक देखता रहता था। उसका मलैया नाम का एक साथी किसान समझ नहीं पा रहा था और असमंजस में था। मलैया के पास भी खेत थे, उसने भी उस साल पानी के तरबूज की खेती की थी। पता नहीं क्या बात है, ये पेरैया जब देखो खेत में ही दिखता है। उसे हो क्या गया है, वो घर भी नहीं जाता। तरबूज के बीज बोए हैं या सोने के, ऐसे कर क्यों रहा है? आखिर मसला क्या है, एक बार जाकर देखना चाहिए। उसने ऐसा सोचा और पेरैया के खेत में गया। उसने देखा खेत के बीच में कांटे की बाड़ बनी है। अरे ये क्या, अकेली इस जगह पेरैया ने कांटों से क्यों बाड़ बनाई है? ये कुछ अजीब लग रहा है, कुछ तो है, मुझे पता लगाना होगा। कभी सच में ही उगा रहा हो सोने के तरबूज, देखना चाहिए। फिर वो उस जगह पर खुदाई करना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में तो ये बात है, इसीलिए खेत में हर रोज इतना समय बिताया जा रहा था। तुरंत वो उस बीज को अपने खेत ले गया और जमीन खोदकर बो दिया। शक से बचने के लिए उसने दूसरा बीज ले जाकर पेरैया के खेत के बीच में बो दिया। पेरैया इस सब से अनजान था। वो तो रोज उस जगह पर जाता था और पानी देता था और उस बीज को देखते हुए बहुत समय बिताता था। मलैया ये देखकर मन ही मन खूब हंसता। कुछ दिनों के बाद सभी तरबूज बड़े हो गए। विशेष बीज भी लेकिन सामान्य आकार का तरबूज ही बना। ये क्या हुआ, इतने बड़े संकर बीज से एक आम तरबूज ही होगा। इस तरबूज से मेरी कितनी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। उधार लेकर मैंने उस पर बहुत सारी दवाइयों का छिड़काव किया था, लेकिन वो सारा पैसा बेकार चला गया। वो बहुत रोया। उधर मलैया बड़ा खुश था और जश्न मना रहा था, क्योंकि बड़े बीज वाले तरबूज का आकार हर दिन बड़ा हो रहा था, जिसे सुरक्षित रखने के लिए मलैया ने उस बड़े तरबूज के चारों ओर दीवार बनाई थी। एक दिन उस भूतनी ने मलैया के खेत के तरबूज देख लिए और खुशी से उसकी बाछें खिल गई। आय हाय, इतने दिनों के बाद मेरी इच्छा पूरी हुई है। मेरे मुंह का तो स्वाद ही चला गया था, मैं अब मीठे तरबूजों का मजा ले सकती हूँ। वो खेत में प्रवेश कर गई और गपागप सभी तरबूज खाने लगी।
तभी उसने देखा कि मलैया खेत की तरफ आ रहा है। ओहो, इस खेत का मालिक आ रहा है, अगर उसने मुझे देख लिया तो मुझे मार ही डालेगा। मैंने उसका बहुत कम तरबूज छोड़ा है, मुझे तुरंत छिप जाना चाहिए। वो मलैया ने बड़े तरबूज को छिपाने के लिए जो दीवार बनाई थी उसके अंदर घुस गई। उसने उतने बड़े तरबूज को देखा तो चौंक गई। मैंने इतने बड़े तरबूज को तो कभी नहीं देखा, मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ, ये पानी का तरबूज इतना स्वादिष्ट होगा। मेरे दोस्त भूत एक दिन लेकर आए थे, लेकिन मुझे दिए बगैर ही सारा खा गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तो सिर्फ तरबूज खाने आई थी, और ये मिल गया, मजा आएगा। वो खुद को छुपाने के लिए उस तरबूज में घुस गए। फिर मलैया उस तरबूज के पास आया। वो दिन आ गया है जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था, मुझे देर नहीं करनी चाहिए, आज मुझे इस तरबूज को शहर ले जाना चाहिए। वो पानी के तरबूज को काटता है, उसे टोकरी में रखता है और अपने सिर पर रखकर जाने लगता है। वजन में ज्यादा था, वो संभाल नहीं सका और टोकरी के साथ ही नीचे गिर गया। तरबूज से आवाज आई, हे भगवान मुझे बचाओ, और भूतनी बाहर आ गई। मलैया ने भूतनी को देखा तो डर के मारे 9-2-11 हो गया और भूतनी मलैया को देखकर छूमंतर हो गई। पेरैया ने ये सब देख लिया, वो जान गया कि मलैया ने उसे धोखा दिया है और सोचने लगा कि उसे अच्छा सबक मिला है। वो उस पानी के तरबूज को शहर ले गया, अच्छी कीमत पर बेचा और अमीर बन गया।